हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 नवंबर 2018 की बिल्डिंग चैप्टर सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, यहाँ पे डिस्कशन में हम कुछ स्लाइडों का यूज करेंगे और जो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी वो बेसिकली हैंड रिटन नोट्स की ही मिलेगी, तो उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम पे एक जो पेज है या चैनल है जिसका नाम है वेलकम यूपीएससी, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप ज्वाइन करके और डेली की पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह और भी जो पीडीएफ वगैरह होंगे स्टडी मटेरियल रिलेटेड, वो कंटेंट आपको वहाँ प्रोवाइड है करवाया जाएगा। तो आज की डिस्कशन का जो पहला आर्टिकल आया है बेसिकली, वो हम देखते हैं किस रिलेटेड है। पहला आर्टिकल हुआ है यूटीएस मोबाइल ऐप को लेके। कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट देखो, अभी ये आया है बेसिकली कि डिजिटल इंडिया अभियान गवर्नमेंट ने अब तक काफी टाइम से चलाया हुआ है, तो उसी के तहत रेलवे के आपको पता है कि जो अनरिजर्व टिकट होती हैं, जो कि अनारक्षित टिकट होती हैं, इनके लिए काफी लंबी लाइन लगती है। और कई बार क्या होता है कि पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल पाती, प्लेटफॉर्म टिकट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जो अनरिजर्व टिकट बुकिंग है उसके लिए बेसिकली यूटीएस मोबाइल ऐप वो लॉन्च किया था। तो 1 नवंबर 2018 से क्या किया गया है, इसको ऑल ओवर इंडिया के सभी जोनों में स्टार्ट कर दिया गया। पहले तो यह क्या था, लिमिटेड जोन में ही टिकट बना सकते थे, बट अब ऑल इंडिया में आप कहीं भी किसी भी स्टेशन में लोकल टिकट होगी वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली क्रिस के द्वारा डेवलप है। वो क्या गया है, क्रिस का मतलब है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है। बेसिकली रेलवे की ऑनलाइन टिकट वगैरह केटरिंग वगैरह को मैनेज है वो करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑब्वियसली रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये एक प्रोग्राम है वो चलाया गया है। तो ध्यान रखना है कि यूटीएस मोबाइल ऐप है वो अनारक्षित जो टिकट है, चाहे आप उसको स्टेशन टिकट बोल सकते हो या फिर आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी, तो किसी भी टाइप की टिकट वगैरह आप यहाँ से बुक है वो कर सकते हो, मतलब आप लाइन में लगने की जरूरत है वो नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है क्लीन एयर कैंपेन के बारे में, स्वच्छ हवा अभियान के बारे में देखते हैं। कि देखो, दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो हजार्डस लेवल पे पहुंच चुका है और दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें वो अभी पहुंच गए हजार्डस लेवल में, मतलब 301 से लेके 500 पीपीएम की कैटेगरी में वहां पे पोल्यूशन फैल चुका है। इमरजेंसी के हालात वहां पे हो गए हैं और इसी हालात से निपटने के लिए बेसिकली दिल्ली का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो और इसी के साथ ही सेंट्रल की जो आपको पता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, दोनों ने मिलकर एक फ्लेक्सी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्लीन एयर प्रोग्राम कैंपेन, जो कि बेसिकली 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जो 4 एरियाज हो गए, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसी के साथ ही गाजियाबाद और नोएडा, इन चारों एरियो में एयर को क्लीन करने के ऊपर फोकस करेगा। तो इसमें क्या होगा, जहां जहां पे कचरा जलाया जा रहा है, यहाँ पे जहां पे भी पोल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स का उल्लंघन वगैरह कर रहा है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उनको बैन करने की बात हो की जा रही है। तो ये ध्यान रखने की क्लीन एयर कैंपेन है वो किसके लिए चलाया गया है, किसने यहाँ पे चलाया, कि ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। देखो, इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम भी रखे गए हैं क्लीन एयर कैंपेन के तहत, टीमें बनाई गई हैं कुछ टीम, ताकि वो जगह जाके मॉनिटर्स वगैरह कर सकें। तो टीम किसने बनाई है, एक तो बनाई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, इसके साथ ही बनाई है एमसीडी, और इसके साथ ही बनाई गई है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा। तो ये बेसिकली इनके द्वारा मिलकर कमेटी बनाई गई है जो कि क्लीन एयर कैंपेन को एक तरीके से सक्सेसफुल है वो बनाएगी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को। बात करें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा भी था और एक दो बार पहले भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसें हैं वो होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन पाई जाती है। देखो, ओजोन दो तरह की होती है, एक तो हमारे ग्राउंड पे मतलब नीचे की सरफेस पे पाई जाती है वो, और एक ऊपर की साइड जो ओजोन पाई जाती है वो। तो ग्राउंड के पास जो ओजोन पाई जाती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफी खतरनाक है वो होती है, तो वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल की गई है। इसके साथ ही जो पर्टिकुलेट मैटर होती है, जैसे डस्ट वगैरह की वजह से जो प्रोड्यूस होती है PM2.5 और PM10 वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड, जैसे पीबी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसके साथ ही अमोनिया या NH3। तो ये बेसिकली 8 हो गए हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन 8 को, अब देखो यूपीएससी क्या पूछेगी, ऑप्शन दे देगी 5-6 कि ओजोन दे दिया यहाँ पे, इसके बाद में पीएम आपको 5 दे देगी, और फिर दे देगी यहाँ पे CO2 दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता होना चाहिए कि भाई PM5 भी नहीं है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, तो इस तरीके से एलिमिनेट है वो करना होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए।
अब देखो दिल्ली में क्या है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो इनके आधार पर निकाला जाता है कि भाई पोल्यूशन का लेवल कैसा है। तो इसको अलग अलग कलर से भी डिवाइड किया गया है ताकि पता चल जाए कि पोल्यूशन किस लेवल पे फैला हुआ है। अब देखो नॉर्मली अगर पोल्यूशन की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 51 से 100 के बीच में इसका मतलब हाँ थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं कि येलो कार्ड वाली कंडीशन है वो आ गया, मतलब मॉडरेट कंडीशन में। और 101 से 150 के बीच में इसका मतलब क्या है कि अनहेल्दी है, मतलब अगर कोई पेशेंट जैसे अस्थमा वगैरह का तो वो बाहर ना जाए क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और जब 150 से बात करें 100-200 के बीच में तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही खराब है, थोड़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए बच्चों जो सबको। और 201 से 300 का मतलब है कि भाई बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, बहुत खराब हालत हो गई है। और अभी जो लेवल है वो दिल्ली में पहुंच गया 301 से 500 में। देखो रीजंस तो वैसे हमें पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में खराब होने का कारण क्या है। एक तो देखो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट को व्हीकल्स है, प्राइवेट व्हीकल, उनको कम करना होगा। इसके साथ ही पुराने व्हीकल्स को हटाना है। और एक क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में, मतलब यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इन एरियाज के अंदर जो किसान अपनी फसल की पराली जलाते हैं उससे भी इफेक्ट है, वो उस हद तक पड़ता है। तो वो सारे रीजन हमने काफी बार डिस्कस है, वो यहाँ पे की है। नेक्स्ट आर्टिकल है हुआ है इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को लेके। तो देखो काफी अच्छी बात है कि इंडिया को इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इस बार काफी अच्छी रैंक है, काफी अच्छा स्कोर है वो मिला है। हम बात करें कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी है, वो किया जाता है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अभी है क्या, देखो कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट से मैंने अभी आपको बताया कि कल इसकी नई रैंकिंग है वो आई है, इस साल की 2018 का इंडेक्स है वो आया है। तो 2018 में इंडिया की जो रैंकिंग है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो बेसिकली यहाँ पे रही है, हम बात करें 77। और 2017 में इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 100। तो इंडिया ने 2017 में भी काफी अच्छा स्कोर प्राप्त किया, 2018 में भी इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर है वो प्राप्त किया। तो इसकी तारीफ यहाँ पे दबा के की जा रही है। अब देखो जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टेबल करना चाहता है, चाहे वो फॉरेन से हो या कहीं से भी आए, अगर वो बिजनेस स्टेबल कर रहा है तो उसके लिए कितनी सहूलियत है, मतलब आसानी से बिजनेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसके लायक माहौल है या नहीं है, गवर्नमेंट उसको जमीन लीज पे प्रोवाइड करवा रही है नहीं करवा रही, कनेक्शन उसको लाइट पे लाइट का टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके कोई भी इश्यूज है उनसे निपटारा हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि ऐसा नहीं हो कनेक्शन के लिए अप्लाई तो करे बेचारा 2017 में और उसको कनेक्शन मिल रहा है 2020 में जाके, तो क्या मतलब। तो मतलब सारे काम टाइम पे होने चाहिए, वो बिजनेस लाइक माहौल होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए माहौल होना चाहिए ताकि पढ़ाई अच्छे से उसके, तो उसी तरीके से बिजनेस करने लायक इंडिया में माहौल हो उसके, इसके लिए इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो देखो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफी अहम हो जाता है, तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और इंडिया की रैंकिंग इस पर काफी अच्छी रही है, इंडिया लगातार इंप्रूव कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, काफी सारी स्कीम चलाई गई है, तो उन्हीं का एक रिजल्ट देखने को हमें मिला है। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कुछ 10 पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर रेटिंग वो जारी की जाती है। तो देखो हमें सारी रेटिंग तो रटने नहीं बैठना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक तो रेटिंग पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है, कि 2017 में क्या थी और 2018 में क्या है। यूपीएससी ऐसे पूछ ले कि लास्ट 3 सालों में हमारी रैंकिंग घट रही है लगातार या बढ़ रही है, तो जी हमारी 3 दशकों में लगातार हमारी रैंकिंग है उसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, मतलब हम जो जो टॉप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 10 पैरामीटर कौन कौन से हैं, जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए एरिया माहौल कैसा है, इसके साथ ही लोगों को लोन वगैरह बिजनेस के लिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन की परमिशन है वो मिल रही है नहीं मिल रही। और बात करें यहाँ पे जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है, जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लोग टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है नहीं मिल रही, रजिस्ट्री हो रही है नहीं हो रही प्रॉपर्टी की, बॉर्डर के ऊपर ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा, इसके साथ ही इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रहे हैं नहीं हो रहे, और जो रिसोल्विंग इंसॉल्वेंसी है, इन सब 10 पैरामीटर्स के आधार पर ये इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो ये 10 के 10 पैरामीटर तो आपको याद रखने की जरूरत है वो नहीं है, बस रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अग्निफेस्ट मिसाइल को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली अग्निफेस्ट मिसाइल है उसका नाइट वर्जन है, उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सफल एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, तो अभी बस न्यूज में है तो इसलिए हम देखते हैं। कहाँ से किया गया? व्हीलर आइलैंड। तो व्हीलर आइलैंड है कहाँ बेसिकली? देखो अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, वो हो गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो अब्दुल कलाम जो द्वीप है ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है, और है कहाँ पे? उड़ीसा के कोस्टल एरिया में। तो यह ध्यान में रखना है कि अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से प्रिडिक्शन किया गया है, पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था। अब हम अग्नि फेस्ट मिसाइल की बात करें तो
तो यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल मैंने आपको बताया था, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, यहां से छोड़ी तो वो ऐसे ऐसे गति करती है इससे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये तो होगी बैलिस्टिक। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही आपको टारगेट करना हो तो उसके लिए क्रूज मिसाइल यूज जाती है। वो कैसे जाती है, ऐसे जाती है फिर डायरेक्टली ऐसे तरीके से जाती है, तो होती है क्रूज। क्रूज बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट की होती है और उनकी रेंज है वो थोड़ी कम ही होती है, बैलिस्टिक की रेंज वो बहुत ज्यादा होती है। तो अभी इसकी जो रेंज है वो एक तरीके से कम ही है, कितनी है, 700 से 900 किलोमीटर, क्योंकि अभी तक हम अग्नि 5 बना चुके हैं, उसकी रेंज हम बात करें तो 8000 किलोमीटर तक है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और न्यूक्लियर वार हेड वगैरह वो भी है, कैरी कर सकती है सरफेस टू, ध्यान रखना कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्योंकि यहाँ से अगर हमने छोड़ा तो जाएगी ऊपर, फिर अपने आप धीरे धीरे नीचे आके यहाँ पे गिरेगी और यहाँ पे तबाही मचा देगी। तो सरफेस टू सरफेस होगी, बैलिस्टिक होगी। वैसे तो अग्नि फेस्ट जो मिसाइल है वो इंडिया ने बनाई थी 1983 में, और एक प्रोग्राम भी था जिसका नाम हमें ध्यान में रखना है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये क्या था, ये प्रोग्राम ये था कि हमारे देश में क्या हो रहा था, 1985 से पहले की बात करें, 1985 से पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हालात ज़रा ठीक नहीं थे, मतलब हमारे देश के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इंडिया मिसाइल वगैरह ढंग से बना नहीं पाता था। तो इसलिए बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से रिसर्च वगैरह की गई और इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि भाई हम खुद की मिसाइल बनाएंगे, हम बाहर से मिसाइल क्यों इम्पोर्ट करें, तो मतलब हमारे देश के अंदर ही हम गाइडेड मिसाइल डेवलप करके बनाएंगे, तो उस प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। वैसे देखो बनना तो स्टार्ट हो गई थी 1983 में, बट बाद में इसके काफ़ी एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे, तो इसके लिए बाद में जो ढंग से तैयार आप बोलोगे वो 1985 के बाद में हुई थी। बट हम तो इसकी स्टार्टिंग का देखो ईयर तो नहीं पूछेगी, बट थोड़ा फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और आपको पता है कि इंडिया की पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब यह है कि इंडिया पहले अगर कोई भी कंट्रीज के साथ जैसे लड़ाई हो गई है, मान लो इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका यूज नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का, तो फिर इंडिया अटैक है वो करेगा, पहले इंडिया यूज है वो नहीं करेगा। तो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ में काफ़ी बार रहता है सेंसर बोर्ड्स वगैरह की वजह से, तो थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए। कंटेक्स्ट अभी यह है कि इसके जो चेयरमैन थे अनुपम खेर, वो अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसको लेकर काफ़ी इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 1960 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि किसके तहत काम करता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उसके तहत काम करती है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि फिल्म की डायरेक्शन के कोर्सेज प्रोवाइड कराना, फिल्म एडिटिंग हुआ, फिल्म में किस तरीके से एक्टिंग करनी है वो, इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफी और जो ऑडियोग्राफी, ये सारे फिल्म से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग या डिप्लोमा वगैरह इसके द्वारा प्रोवाइड है वो करवाए जाते हैं। तो यह हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कोर इंडस्ट्रीज को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो हमारा लास्ट लास्ट मंथ था उसमें देखा जाए तो कोर इंडस्ट्रीज है इनकी ग्रोथ रेट है वो 4.7% से डिक्रीज है वो रही है, तो उसी को लेके अभी बेसिकली आर्टिकल आया है कि कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट सॉरी वो 4.3% से डाउन है हो रही है। तो देखो हम पहले तो जान लेते हैं कोर इंडस्ट्री क्या होती है। देखो कोर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि कोई भी कंट्री की या इकोनॉमी के लिए काफ़ी मेन होती हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो उसमें लोहा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मशीनें लगेंगी तो ऑब्वियसली लोहे से बनती हैं, बिजली भी चाहिए होती है, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि भाई वो हर बिजनेस के लिए या हर फैक्ट्री वगैरह के लिए जरूरत है उनकी होती है, मतलब हर इंडस्ट्री के लिए उनकी जरूरत होती है। तो ऐसे 8 एरियाज हैं जिनको बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज में जाना जाता है। कौन से 8 हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे बात करें 8 की, एक तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, स्टील होगी, सीमेंट होगी और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कोर एरियाज में आते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल देखा जाए तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का डाटा है वो जारी की जाती है। तो ये IIP के डाटा है ना, इसके अंदर जो वेटेज की बात करें तो अकेला 40% जो वेटेज है ना, 40.27% जो वेटेज है वो तो अकेला इन कोर इंडस्ट्रीज का ही है, मतलब सारी इंडस्ट्रीज का जो डाटा जारी किया जाता है उसमें 40% जो वेटेज है वो तो अकेला अकेला इन 8 इंडस्ट्रीज का ही है। तो मतलब ये काफ़ी मेन होती हैं, हम बात करें तो हर इकोनॉमी के लिए, चाहे इंडिया में कोई भी कंट्रीज हो। तो बेसिकली इंडिया ने इसमें 8 सब्जेक्ट को या 8 टॉपिक्स को इंक्लूड है वो किया है, किसी कंट्री ने 7 कर रखे होंगे, इस तरीके से ये होता है। तो
तो ध्यान रखना है कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनका वेटेज है वो क्या है। अब यूपीएससी इस पे एक दो बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है और सबसे कम वेटेज किसका है। देखो वो तो क्या है कि वेरी होता रहता है, तो जब भी एग्जाम हो कोई उसे जस्ट पहले का एक बार डाटा है वो चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है अभी वो है रिसेंटली पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स का 28.4%, इलेक्ट्रिसिटी का है 19.85%, सबसे कम की बात करें तो वो है अभी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का वो है 2.63%। तो इस तरीके से यूपीएससी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सांगडोंग वोल्फ ट्रेप को लेके। देखो बेसिकली ये द हिंदू में एक आर्टिकल मिला था मेरे को कल, तो उसके आधार पर मैंने न्यूज है वो ली है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सांगडोंग वोल्फ ट्रेप है क्या। देखो वोल्फ का मतलब होगा भेड़िया, तो भेड़िया को पकड़ने के लिए बेसिकली ट्रेडिशनल या बोल सकते हो कि परंपरागत या मतलब पुराने टाइम से यूज किया जाने वाला एक पिंजरा है, तरीका है, जो कि सांगडोंग नाम से जाना जाता है। अब कहां ये देखो ध्यान में रखना है हमें, जम्मू एंड कश्मीर के जो ले वाला एरिया ना ले, वहां पे बेसिकली एक ट्राइब रहती है चांगपो, ये ध्यान रखना है चांगपा ट्राइब है वो कहाँ रहती है ले में। तो ये ट्राइब है ये बेसिकली वोल्फ ट्रेप है जिसका नाम है सांगडोंग इसका यूज है वो करती है। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि चांगपा ट्राइब क्या है, कहाँ रहती है, ठीक है, और हमने सांगडोंग के बारे में जाना कि सांगडोंग वो एक वोल्फ ट्रेप है जो कि चांगपा पीपल्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब देखो तो चांगपा पीपल्स है ना, ये बेसिकली हम बात करें तो ये पास्मीना एक बकरी होती है, मतलब बकरी की एक प्रजाति होती है पास्मीना गोट, जो कि ऊन प्रोवाइड करवाती है और उनकी आजीविका का साधन है वो होती है। तो पास्मीना बकरी का ये भेड़िए शिकार करते हैं, तो इस शिकार से बचाने के लिए वह भेड़ियों को पकड़ा जा सके लिए इसके लिए बेसिकली सांगडोंग नाम का एक पिंजरा है जिसको यूज है वो किया जाता है। तो यह बस हमें ध्यान में रखना है कि ट्रेडिशनल वोल्फ ट्रेप है जो कि चांगपा कम्युनिटी के द्वारा लेह में जो पास्मीना बकरीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज है वो किया जाता था, उसी को लेके कुछ कंटेक्स्ट का न्यूज है वो आई है। ज्यादा दमदार तो नहीं है, बस छोटे से फैक्ट और ये दो चार इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखो आज काफी लेट हो गए तो क्वेश्चन में प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मेरे पास दो या तीन ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वो तो है जूनागढ़ अभिलेख को लेके। जूनागढ़ अभिलेख को लेके आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये अभिलेख संस्कृत में लिखे हुए हैं, दूसरा यह है कि ये चट्टानों पे लिखे हुए हैं, मतलब चट्टानों पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शन है, तो ये आपको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इलाहाबाद अभिलेख है वो बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में, इसी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में, तो आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड खाली जगह देखते हैं कहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है बेसिकली साउथ एशिया सेटेलाइट को लेके, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। साउथ एशिया सेटेलाइट यानी कि GSAT-9 साउथ एशिया सेटेलाइट है, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि इन्हें 2019 में लॉन्च है वो किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो सार्क कंट्रीज हैं उनको सारी फैसिलिटीज वो यहाँ पे मिलेंगी। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए, अब आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। चलो आप ये बताइए कि महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ नेशन की उपाधि है वो किसने दी थी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये लिए आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करें आज के चौथे क्वेश्चन की, तो वो देखो अभी फिलहाल चौथा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।